लोगों को, सब लोगों को यहाँ जो आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको राम राम करना चाहूंगी। मेरे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी और सुभाष जी बैरिया और डॉक्टर हरि सिंह जी, मेरी बहू निहारिका राजे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत, सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजोर, श्री विजय पुनिया जी, पूर्व विधायक जीतराम जी और राजकुमारी जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेश जी शर्मा, जिला अध्यक्ष हमारे श्री हरिराम जी लिंबा और पूर्व कुलपति डॉक्टर लोकेश जी शेखावत, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और नेतागण मेरे सामने उपस्थित, दोनों तरफ बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए, इतनी अच्छी संख्या में आए हुए सब मेरी माता बहन है। सबसे पहले मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी ऊर्जा की स्रोत तो आप ही हो, जो जहाँ जगह जगह जब आ जाती हो और आप लोग देख जाती हो तो मुझे आप लोगों से शक्ति मिलती है, तो सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। और फिर साथ में आए हुए इतनी सारी संख्या में मेरे सब भाई, मेरे सब बुजुर्गण, आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहती हूँ। किसी करके सभा के अंदर आप लोगों ने इतनी अच्छी संख्या में आकर मेरे हौसला अफजाई की, जिसकी भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अब चलते चलते मैं समझती हूँ कि करीबन 136 सभाएं हो चुकी हैं और करीबन 9000 से ऊपर किलोमीटर राजस्थान की पूरी यात्रा मैंने कर ली है। एक संभाग अब ये कल का दिन और एक संभाग और बाकी बचता है, और आप लोगों के बीच में आज यही समझो सीकर का ही आखिरी दिन, ये उसमें आप लोगों के बीच में आना हो रहा है। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो मैं देख रही हूं अपने आंखों से, कोई फर्क नहीं है, अगर आप आंख बंद करके किसी भी इन संभागों के अंदर खड़े हो जाओ तो आपको ये आंख बंद करके लगे कि हो सकता है उदयपुर, ये हो सकता है कोटा, ये हो सकता है भरतपुर, अजमेर या आपके शेखावाटी, क्योंकि मुसीबतें सब वैसे के वैसे ही है और वही सब मूलभूत सुविधाएं पे। अब आपका ही मैं देख रही थी, शहर के अंदर जब मैं आई तो मैंने देखा कि सीकर शहर की पेयजल की जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो रही, गर्मी का मौसम है और 10 या 20 मिनट पानी की आपूर्ति होती है, जो मैं समझती हूँ किसी भी शहर के लिए कमी है। ये सब शहरों के अंदर है, सब गांव के अंदर है, बस इतना ही फर्क है कि कहीं फ्लोराइड है तो कहीं खारा है तो कहीं आपको दूर जाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति है गांव में, महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता है और ज्यादातर सब लोग टैंकरों की व्यवस्था अपने लिए करते हैं जिसपे उन लोगों को हजार हजार रुपया देना पड़ता है। आज 53 साल बाद अगर हमारी यह स्थिति है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को इतना हम लोगों ने भरोसा दिया, इतना विश्वास दिया कि ज्यादातर 65 वर्ष से उनका ही काम रहा और वो है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन निकलने के बाद अगर वो काम नहीं कर सकते तो हमें नहीं कहना चाहिए, उनको अपने आप ही कुर्सी छोड़ के अलग हट जाना चाहिए, क्योंकि जो नहीं कर सकता काम उसको उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। मैं यहाँ देख रही आप लोगों के यहाँ बिजली की भी अघोषित कटौती, जनता पूरी तरह से परेशान, बार बार ट्रिपिंग होता है, 8 से 10 घंटे अघोषित कटौती चलती है, बिजली 20,000 से ज्यादा आवेदन पत्र पड़े हुए हैं, उन आवेदनों के ऊपर पैसे तो ले लिए परंतु कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति, ये क्या मतलब है जो आपने कह दिया है कि हम जनता जनार्दन को जितने जो भी आएगा उसको तुरंत ही हम अपना वो देने को तैयार हैं, उसको कनेक्शन देने को तैयार है, अगर उसने पैसे दे दिए तो मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा और क्या हो सकता। इसके बावजूद आप अस्पताल की दहलीज देख लीजिए, दयनीय हालत, डॉक्टर नहीं है, मुफ्त दवाई की बात करते हैं परंतु ज्यादातर 30 या 40 दवाइयां बड़ी मुश्किल से वहां मिलती है, जितनी दवाइयां मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं है, 400 किस्म की अलग अलग दवाइयां हैं वो मिलती नहीं है, परंतु मुफ्त दवाई की अपन बात करते हैं, मुफ्त जांच की अपन बात करते हैं, मैं देखती हूँ कि कहीं भी जांच नहीं है। अभी एक होम्योपैथी हॉस्पिटल है शायद आपका, उस होम्योपैथी हॉस्पिटल से मेरा रथ निकला, मैंने देखा बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है, किसी दानदाता ने बड़े प्रेम से इतनी बड़ी बिल्डिंग इस सीकर के अंदर सरकार को दे दी है ये कह के कि इसमें होम्योपैथी हॉस्पिटल बना लो, वो होम्योपैथी हॉस्पिटल क्या नाम है उसका,
बहुत बड़ा बहुत अच्छा हॉस्पिटल वहां है, जमीन बहुत है, परंतु उसके अंदर आदमी नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, वैसे के वैसे उजाड़ पड़ा हुआ। शहरी क्षेत्र के अंदर आपकी सड़कों की क्या क्या हालत है वो आपने देख लिया है। ये यहाँ ही नहीं है, सब दूर है। आपके चारों ओर गांव के अंदर चले जाओ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं और सड़कें की नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ मेरे को मालूम पड़ा कि 5 साल पहले हम लोगों ने वो सीवरेज का काम किया था, करीबन 26-28 करोड़ हम लोगों ने उस सीवरेज के काम के लिए अलग रखा था। वो सीवरेज का काम तो किया नहीं, पूरे शहर को खोद के रख दिया और अब देखा कि चुनाव का टाइम आ गया तो फिर से बांट दिया। तो अब अगर सीवरेज का काम करना पड़ेगा तो उसको फिर से खोदना पड़ेगा और उसको फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो काम रिपीट करने के लिए और पैसा खर्च करने के लिए तो सरकार, और ऊपर से डामर करके छोड़ दिया कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि सरकार ने काम कर लिया। तो सही बात तो यह है कि कोई काम हुआ ही नहीं है, सड़क ऐसे की ऐसी बन गई है और जो काम आपका करना था वो वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ। मैं अभी अभी आपके यहाँ से निकल रही थी, कुछ लोग वहां खड़े हुए काला झंडा लेके। मैंने कहा कि भाई काला झंडा लेके नॉर्मली तो सरकार के लिए होता है, नहीं कहीं काला झंडा लेके खड़ा हो जाता है तो उसकी बात क्या है, जरा पता तो करे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 12 महीने पहले एक महेश दीक्षित है, उनकी निर्मम हत्या हुई है और मैं समझती हूँ कि उनके परिवार को हमारे सब तरह से सांत्वना हम देना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बिल्कुल ही बद से बदतर है और उस बेचारों की ऐसी हत्या हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार तो कोई इन लोगों की बात सुनता नहीं है। ये नॉर्मली अपन कहीं खड़े रहेंगे तो काला झंडा दिखाएंगे सरकार को, और जब सरकार आती ही नहीं है तो किसी सामने पास जाना पड़ता ही है। मुझे बड़ी खुशी है कि इतना विश्वास मेरे में है कि कोई मेरे पास आके एक कया खड़ा करके मेरे को ये तो कहे कि भैया हमारी ये मुसीबत है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। मुझे बड़ी खुशी है, मैं उसमें पहल करने की भी कोशिश करूंगी। वैसे करना तो सरकार को चाहिए, परंतु मैं ही सरकार का पूरा काम कर रही हूँ और इसीलिए मैं आपको बता दूंगी कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इस बात को उठाया। आगे आगे तो हम लोग चल रहे हैं, पीछे पीछे हमारी सरकार चल रही। मैं गई चायल नागौर के अंदर तो वहां पेयजल का इशू, मेरे पीछे पीछे आके पेयजल का शिलान्यास करके चले गई सोनिया गांधी, लेके आए उसको, उसके पहले तो कोई घोषणा नहीं थी। सूरत में तुरंत घर गई मैं तो वहां सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का शिलान्यास करके वो चले गए। हनुमानगढ़ गई तो 9 PHC एकदम से मंजूर हो गए। गंगानगर गई तो इतने दिन से चल रहा मेडिकल कॉलेज का 1 दिन पहले करार हो गया। भीलवाड़ा में गई तो वस्त्र उद्योग की जो मजबूरी थी उन्होंने मेरे को समझाया और उन्होंने बताया कि 30-40 हमारे यूनिट गुजरात चले गए हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो अभी देखा उसकी नई टेक्सटाइल पॉलिसी भी आ गई है और बीकानेर जाकर आई तो तकनीकी विश्वविद्यालय भी हो गया। सुराज शंकर यात्रा के अंदर भामाशाह योजना के बारे में बात कर करके मैंने थक गई हूँ। तो मैंने ये देखा कि राजस्थान सहकारी वित्त और विकास निगम की स्थापना करने की सहमति दे दी। अरे जो काम बनाया गया था अगर वही काम कर लेते तो मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाओं को आज तक पेंशन ही मिल जाता, हमारी महिलाओं को बहुत कुछ मिल जाता और आप लोगों को भी इस तकलीफ में रहने की कोई जरूरत ही नहीं होती। 4 साल वो पेंशन आप लोगों को मिल जाते, 4 साल वो पैसा आप लोगों को मिल जाता, ये आखिरी 4 महीने के अंदर ये सौगातें बांटने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस तरीके से मैंने देखा कि हमारे सुनकर इसकी सफलता के देख के सरकार जग तो गई। सरकार को लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, हमको जनता को अपने हाथ में लेने की जरूरत होगी, तो दौड़ आरंभ शुरू कर दिया। आज सैनिक कल्याण की बात कर रहे हैं परंतु सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद आज भी खाली है। अगर हमें इतनी चिंता होती तो हम 4 साल से उस पद को भर देते और उसके द्वारा हम अपने सैनिक कल्याण का काम करते। मैंने सब सैनिकों को यह कहा जब अटल जी के समय के टाइम कारगिल युद्ध हुआ था, उस कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया था और एक एक शहीद के घर जाने का हम लोगों ने काम किया था। और आज मैं सेना के सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि उनका मान और सम्मान वो हमारा सर, यही समझ के चले कि हमारे परिवार के लोग हैं, उनका साफ मान और सम्मान रखना ये हमारा फर्ज है और हम रखेंगे और आने वाले समय के अंदर भी उनको आगे ले जाने का काम हम सबके साथ हमारे परिवार जैसे उनको ले जाने का हम लोग काम करेंगे। मैं हमारे सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आज कभी टेट में फंसा दिया, कभी किसी परीक्षा में फंसा दिया परंतु किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया, बस हाँ कभी इसमें कोर्ट में फंसा दिया, कभी आपको 10वीं का कह के किसी और कोर्ट में फंसा दिया,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने टाइम के अंदर जब 10 लाख नौकरी हम दे सके थे, तो आने वाले समय के अंदर भी हम नौकरी का इंतजाम करेंगे। और जिस तरीके से पहले आरपीएससी की व्यवस्था थी, जिसमें हमारे बच्चे जाते थे और काम उनको मिलता था, माता बहने में आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बिजली के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जाते जाते ये ऐतिहासिक कदम उठा था और वो पहली दफा राजस्थान के अंदर उठा था कि हम लोगों ने घरेलू बिजली आपके लिए आपके घरों में लाके छोड़ा। ये पहले कभी नहीं था, किसानों की बिजली अलग हुआ करती थी, परंतु आपकी बिजली कभी किसी ने नहीं दी। हमने चला के वो दी और हमने ये कोशिश की कि जाने से पहले 18 या 20 घंटे बिजली आप तक पहुंचा दिया। हम आपको ये वायदा करते हैं कि सरकार अपनी आती है तो 24 घंटे बिजली आपको घरों के अंदर रहने का काम करते रहे। 6 महीने और हो जाता तो वो आप लोगों को भी पानी वो बिजली मिल जाती। और आज मैं कह रही हूँ कि ये वीसीआर भर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। वीसीआर के द्वारा जितना करंट लगता है लोगों को, वो शायद किसी और को लगा नहीं। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो अधिकारी चला चला के इस तरीके से रिश्वतखोरी कर रहे हैं, ये बदमाशियां कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाएगा सरकार हमारी आती है तो। और आगे उन्होंने जो इस तरीके से पैसा लिया है, तो वापस देने का काम ये सरकार करेगी। मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि हम लोग देख रहे हैं, ये सरकारें ऐसे नहीं चलती है। सरकारें चलती है प्यार से, सरकारें चलती है दिशा दिखा के। ये नहीं है कि भाई हमने 4-4.5 साल कुंभकर्ण की नींद सो ली, तो वो बेचारा कुंभकर्ण भी 6 महीने ही सोया था। ये साढ़े चार साल तक कोई काम नहीं दिया, तो एकदम से जग गए। 4 महीने बाकी बाकी हैं, तो हम लोग सब लोगों के बीच में पहुंचे और सब लोगों को जो वो चाहते हैं वो करवा के दें। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, कोई बता सकता है? हमने आपके लिए जमीन दी, हमने यूनिवर्सिटी का इंतजाम किया। हम पूछ रहे हैं कि 4.5 साल तक कुछ नहीं किया और एकदम से वीसी तो बना दिया, वीसी बना दिया, परंतु उसके साथ साथ जो बिल्डिंग वो ले रहे हैं किराया पे, उस किराए के बिल्डिंग के खाली 2 महीने के लिए किराए पत्र लेना चाहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अभी ये चुनाव खत्म करने तक तो हम किराए में ले लेंगे, इन सबको झांसे में ले लेंगे, इनको तब पूरी कहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो 2 महीना जब भी कोई आदमी घर लेने भी जाता है तो वो कम से कम 6 महीने का पत्र देता है। 6 महीने के लिए देखे ये कहता है कि भैया 6 महीने का हम लोगों को दे दीजिए किराया और हम आपका अपना काम कर लेंगे। ये सरकार तो खुले कह रही है कि हम 2 महीने से ज्यादा के लिए लेना नहीं चाहती है, बिल्ड होने वाली नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ये कहा जाएगा अगर 2 महीने के अंदर ही हम लोग अपना काम गोल करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आगे इस चीज को बढ़ाया जाए। हम तो युवाओं को झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4.5 साल से काम चल रहा है और अभी भी जारी। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से नहीं हो सकता। यहाँ जनता ने सबने देख लिया, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जब आपने मेरे को सरकार दी थी तो उस समय ये सरकार पूरी तरह से बीमारू कहलाई जाती थी। इस बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने उठा के अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया। हम जानते हैं कि वो कितने मुश्किल से किया, कितनी मेहनत से हम लोगों ने किया, पर किया, और वो 5 साल में किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैरव सिंह जी के 7 साल को हटा दीजिए, मेरे 5 साल को हटा दीजिए, और उन 53 साल को गिनिए कि अगर 53 साल किसी को मिल जाता, अगर 5 साल में हम फर्क कर ला सकते हैं, तो 53 साल के अंदर कोई भी अब चमन करा सकता था। हम लोग चमन करके राजस्थान को छोड़ सकते थे, परंतु हमने राजस्थान को गर्त में छोड़ दिया। दूसरे प्रदेशों को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का प्रदेश आगे बढ़ चुका है, 15 साल के अंदर कहां से कहां चला गया, दुनिया के अंदर उसका नाम हो गया। गुजरात का नाम है सब दूर, मध्य प्रदेश का नाम है इस देश के अंदर, 10 साल के अंदर उन्होंने कर दिया। और राजस्थान 53 साल के बाद ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ। लोग आते हैं दूर से कि वो राजस्थान इतिहास में जो लिखा जाता है, उस राजस्थान को हम देखना चाहते हैं। वो राजस्थान बचा नहीं, क्योंकि वो राजस्थान के तितर बितर करके टुकड़े करके छोड़ के रख दिया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबके सामने हमारा भविष्य है। हमने देख लिया कि 53 साल में इन्होंने क्या किया। हमने इनको 4.5 साल दिए और 4.5 साल के बाद भी हमने देख लिया कि अब क्या कर लिया। अब फिर 4 महीने बच गए हैं, इस 4 महीने के अंदर फिर आपके सामने आए हैं। अरे भाइयों, क्या चाहिए बस बता दो सरकार को, हम आपके लिए करने को तैयार हैं। आपको चाहिए साइकिल, हम साइकिल देने को तैयार हैं। साइकिल नहीं देंगे तो पैसे दे देंगे हम आपको। चावल नहीं है तो चावल दे देंगे हम आपको। साड़ी, अरे साड़ी नहीं है तो साड़ी के पैसे दे देंगे। और साड़ी के साथ साथ भैया बच्चे हैं तो उनके कुर्ते पजामे भी ले जाओ।
और उसके साथ साथ अगर आपको कटोरी ले जानी है तो कटोरी और प्लेट भी ले जाओ, वो भी हम देने को तैयार है। अरे जो कहोगे वो हम सब देने को तैयार है। अरे इतना देने को तैयार थे और पेंशन भी देने को तैयार थे तो भामाशाह योजना का साथ दे देते और 4.5 साल तक सब लोगों को पेंशन भी देते, सब लोगों को सब काम भी दे देते। परंतु ये आखिरी में जो आप कर रहे हो इससे तो कुछ कुछ हमारे जो अफसर लोग हैं वो अफसर लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2-3 महीने के बाद हमको तनख्वाह ही ना मिले जिस तरीके से ये सरकार चल रही है। मैं ये कह रही हूँ कि किसी को झांसा दे के सरकार नहीं चलाया जा सकता। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग कुछ कुछ लोगों को तो गुमराह कर सकते हो कुछ समय के लिए, परंतु पूरे समय के लिए गुमराह नहीं कर सकते हो। लोगों को मालूम पड़ जाता है कि आप किस रास्ते पे चल पड़े हो। यहाँ गांव और शहर के बीच की खाई उसको पाटने की भी कितनी जोरदार जरूरत है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खाई एक दूसरे के बीच में है उसको खत्म करने का काम किसी भी सरकार को करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बात भी कहना चाहती हूँ कि हमने अपने समय के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश की थी और आगे आने वाले समय के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि इनके बीच में ऐसी कोई खाई ना हो जिसमें लोगों को लगे कि अगर हम गांव में रहते हैं तो हमारे लिए कोई देखने वाला नहीं है और अगर हम शहर में रहते हैं तो हमारे लिए कुछ कोई काम करने वाला है। क्योंकि दोनों के दोनों बदतर हालत में है, दोनों की हालत में दोनों को बिजली नहीं मिल रही है, दोनों को पानी नहीं मिल रहा है, दोनों के यहाँ सड़क नहीं है। ऐसी वाहियात सड़कें हैं सब पूरे राजस्थान के अंदर। नो डॉक्टर है, आपके टीचर नहीं है, विकास दर बिल्कुल 5% पे आके रह गया है। कोई भी आदमी यहाँ आके राजस्थान के अंदर पैसा लगाना नहीं चाहता है, उधार उठा के अपना व्यवसाय वो बाहर जा रहे हैं राजस्थान से। ये राजस्थान का क्या होगा अगले कुछ दिनों में? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आज जो भी इकट्ठा हुए हैं उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि हमको एक सपना, हमने एक सपना देखा, उस सपने में एक नया राजस्थान हम लोगों को खड़ा करना है। एक ऐसा नया राजस्थान जो इन सब चीजों से छूट के हमारी महिला को आगे करके उनको सुरक्षा देके लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति को सही करते हुए एससी और एसटी को अपनी जगह बताते हुए हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम करते हुए हमारे किसानों को उनकी स्थिति सुधारते हुए उनको मजबूत करते हुए आज उनको कोई चीज नहीं मिलती, आत्महत्या के कगार पे नहीं है, आत्महत्या करने लगे हैं। ये कभी राजस्थान के किसान ने नहीं किया, ये मतलब महाराष्ट्र के किसान करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के किसान में हुआ है, परंतु राजस्थान में कभी नहीं हुआ। अब राजस्थान के किसान भी उस स्थिति में आ गए हैं, बहुत सालों ने अपनी आत्महत्या कर दी, बहुत सारे आत्महत्या के कगार पे खड़े हुए हैं। इतनी जोरदार महंगाई है, रोज पेट्रोल बढ़ता है, रोज डीजल बढ़ता है, रोज आपके बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। कैसी सरकार कैसा चलाएगा? क्या पता है बहने, आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कोई नया सपना देखा नहीं है क्या? मैं ये कह रही हूँ कि जो आपको सुरक्षित नहीं रख सकता वो घर का मुखिया नहीं हो सकता। और अगर वो घर का मुखिया है जहाँ आप लोगों की बेइज्जती होती है, जहाँ हमारी बहन और बिटिया की इज्जत मिट्टी में मिलती है, तो उसको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है और उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों से काम नहीं चलेगा। इसलिए आज सब लोगों को मेरा कहना है कि आओ साथ चले एक नया राजस्थान बनाने के लिए। 36 के 36 गांव मिलकर चले, सब मजहब मिल चले, हम लोगों के बीच में जो भी दरारें हैं उनको हम लोग पाटे। क्योंकि इन सरकारों ने कोशिश करके हम लोगों के बीच में दरारें खड़ी कर दी है, दीवारें खड़ी कर दी है। वो चाहती है कि हम लोग लड़े, हमारे लड़ाई के अंदर 53 साल का राज रहा, अब ये है राज उनका। इसलिए आने वाले समय के अंदर आप लोग सब भारतीय जनता पार्टी और हम सबका साथ देते हुए, इस परिवार का साथ देते हुए, ये पूरा राजस्थान का परिवार जब चल पड़ेगा तो राजस्थान के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप लोगों को मैं विश्वास देके यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने देखा है यहाँ और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जहां जहां लोग जुड़े वहां वहां लोगों ने अपना काम किया, जहां जहां लोग एक दूसरे से अलग हुए वहां लोग उसको ठीक नहीं कर सके। आज माता बहन के, आज भाई और बुजुर्ग, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी।